आज भरतपुर में होने वाली गुर्जर महापंचायत से पहले गुर्जर नेताओं में समाज के नेतृत्व को लेकर आपसी कलह देखने को मिली। महापंचायत की जगह बदलने को लेकर गुर्जर नेताओं में गुटबाजी भी सामने आ रही है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने किरोड़ी सिंह बैंसला के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। हिम्मत सिंह ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि काफी वक्त से किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला को एक गुर्जर नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुर्जरों के हक की आवाज कौन उठाएगा, उनका नेता कौन होगा, इसका फैसला समाज के लोगों पर ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। बैंसला जी ने महापंचायत की अड्डा महापंचायत की घोषणा की है, अब उनका बेटा इसमें प्रचार कर रहा है, ऐसे तो सभी प्रचार कर रहे हैं। भूमिका किसकी रहेगी वो तो कल देखी जाएगी। ऐसा नहीं, बैंसला साहब अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं समाज में पंचायत के माध्यम से, वो तो 2018 से आ रहे हैं। समाज स्वीकार करेगा उसका नेतृत्व स्वीकार होगा, और समाज का देखो नेता वही बनेगा जो समाज स्वीकार करेगा। अब वो मैं खुद मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने की कह दूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन जब तक हिंदुस्तान के लोग या जनता नहीं मानेगी तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हिम्मत सिंह ने किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ फिलहाल मतभेद होने की बात से तो इनकार किया है, लेकिन महापंचायत की जगह बदलने और अपनी बात न सुने जाने से हिम्मत सिंह नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि पिछले 13 साल से चले आ रहे गुर्जर आंदोलन को नाकाम करने की साजिश रची जा रही है। हमारा कोई गुट नहीं है, सरकार जो हमारे मुद्दे हैं, जो समझौते किए 2011 से 2019 तक, उन समझौतों की एक एक बिंदु की पालना हो, उस पालना के लिए जितना दबाव हम लोग सरकार पे बना सके उतना दबाव हम बनाएंगे। एक जो बात है कि भाई हमारे बैंसला जी के मतभेद या मनभेद हैं, हमारा कोई मनभेद नहीं है, हमारा कोई मतभेद नहीं है। सवाल करना मतभेद नहीं होता, नए मनभेद होता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी पुरानी भर्तियां हैं, जो हमारे रिजर्व पद रखे गए हैं, 2011 से जो समझौता हुआ है रिजर्व पदों का, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां जिनमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उन भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी करें। आज करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर के करीब 150 गांवों के गुर्जर इस महापंचायत में हिस्सा लेने वाले हैं। भरतपुर के मलराना डूंगर में पहले ये महापंचायत होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर पीलूपुरा कर दिया गया है, लेकिन गुर्जरों का आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसमें दरारें पड़ने लगी हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।